बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की रेमेडी स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं, चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं, और गर्मियों में भी वो चाहते हैं कि उनका चेहरा चमकता हुआ नज़र आए। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक साफ़ सुथरा सा बाउल लेना है, उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम बाजार वाले यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ले ली है, और जिन लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करती वो लेमन जेल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपने 2 चम्मच ही ऐड करनी है। ठीक है जी, तस्दीक करके मैं आपको क्वांटिटी दिखाती हूँ, इतनी क्वांटिटी ही हमें चाहिए है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, और लास्ट इंग्रेडिएंट है, सिर्फ 2 चीज़ों से हम इस क्रीम को रेडी करने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ है जी खुश्क दूध। दोस्तों ये खुश्क दूध आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी ब्रांड अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब में इसके अंदर ये खुश्क दूध ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों खुश्क दूध क्या करेगा, हमारी स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट किस्म की चीज़ है। मैं क्रीम करके आपको क्वान्टिटी दिखा रही हूँ, ये देखें इतनी ही क्वान्टिटी हमें लेनी है। जब हम इसको इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ रही है। मैं आपको भी इसको मिक्स करके लाइव दिखाती हूँ कि इसको मिक्सिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपने गौर से देखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी फेस ग्लोइंग क्रीम रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों इसको अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है, आपने करना ऐसी है कि इसको पहले तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहनी चाहिए, और एलोवेरा जेल जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर चुके हैं तो उसके बाद आपने इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। आपने 2 मिनट या 3 मिनट आपने मसाज करना है, फेशियल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने मसाज करना है 2 मिनट अच्छे तरीके से। जब 2 मिनट आप लोग मसाज कर चुके हैं तो उसके बाद आपने नॉर्मल पानी के साथ अपने चेहरे को धो लेना है, और ये प्रोसेस आपने रात में करना है, रात को लगाना है, अच्छे तरीके से मसाज करना है और चेहरे को धो लेना है। और आप देखेंगे कि तकरीबन कुछ ही वीक आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर बेइंतहा चमक होगी और आपका चेहरा चमकता हुआ दिखेगा इन गर्मियों में भी। ठीक है जी, तो आपने चीज़ों की क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी कि मैंने आपको वीडियो में बताई है, और इसको क्रीम को आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते। इस क्रीम को आपने बनाना है और साथ ही यूज़ कर लेना है, इसको आप लोग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रेश बनाएं तो आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 मिनट मसाज करें, 2 मिनट मसाज करने के बाद आप लोगों ने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपके चेहरे पे बेइंतहा चमक भी होगी और आपका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी तो आप तक चला जाएगा छोटा सा नोटिफिकेशन, आप आसानी से मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। अगर आपको इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चाहूंगी आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।